हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में ज्योग्राफी की क्लास हम लोग देख रहे हैं और ज्योग्राफी की क्लास में बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ओशियन के बारे में, जहां पर हम लोग बेसिकली डिस्कस किए थे टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन और सैलिनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को, किस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रही है। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दैट टॉपिक इज कोरल रीफ। इस कोरल रीफ के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या चीज है, क्या सिस्टम है, कोरल रीफ के टाइप देखेंगे और फिर अल्टीमेटली हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ओशियन डिपॉजिट। ओशियन डिपॉजिट, इस ओशियन डिपॉजिट को हम लोग पेलाजिक डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, इसी का नाम है पेलाजिक डिपॉजिट भी बोला जाता है। तो काफी कुछ यहां पर देखने को है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक, बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब विच आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन विच इज करेंट अफेयर्स बेस्ड, ज्योग्राफी ऑप्शनल बेस्ड एंड मेंस जीएस बेस्ड। फटाफट देखते हैं कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ होती क्या है? कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर कोरल है, कोरल के लिए आप डीप सी डाइविंग भी करना जाते हैं, तो यहाँ पर ओशंस वगैरह में की जाती है। इंडिया में भी अगर आपको करना है डीप सी डाइविंग, चले जाइए पुडुचेरी में, वहां पर भी डीप सी डाइविंग करवाई जाती है, और लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली होती है, बट ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार में भी जाइए, वहां पर भी डीप सी डाइविंग करवाई जाती है। तो ये चीजें होती हैं। तो कोरल रीफ के बारे में अगर बात करें तो डीप सी डाइविंग करने आप यही सब जाते हैं, यही सब देखने यहाँ पर, जो भी ओशन के इंटीरियर में है क्या चीजें हैं। तो कोरल रीफ के बारे में बात करें तो कोरल रीफ इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म, ये केवल और केवल एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये चीज होती है जिसको हम लोग, इस प्लेटफॉर्म को ही बोलते हैं हम लोग कोरल रीफ। अब कोरल रीफ अगर प्लेटफॉर्म है तो सीधी सी बात है, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या, एक तरीके से सीमेंटेड पोर्शन कह लीजिए। तो ये सीमेंटेड पोर्शन बेसिकली जो बना होता है वो कैल्शियम का बना होता है, और ये कैल्शियम आएगा कहां से ओशियन में? आप जाकर के चूना पत्थर गिराएंगे क्या वहां पर? नहीं। क्या होती है यहां पर? जितने भी आपके मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी जो हड्डियां हैं, स्केलेटन्स हैं, या फिर जितने भी सीप हो गया, जितने भी शेल टाइप ओशियन मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जब मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, तो अल्टीमेटली ये जो शेल्स हैं और ये जो मरीन ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन्स हैं, वो एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के कारण से यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जनरेट हो जाती है, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मरीन ऑर्गेनिजम्स आकर के रहना शुरू कर देते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि ये कोरल रीफ है। क्लियर हो गया क्या चीज है कोरल रीफ? तो कोरल रीफ एक तरीके का प्लेटफॉर्म होता है जहां पर मरीन ऑर्गेनिजम्स आकर के रहना शुरू कर देते हैं। ये कोरल रीफ कैल्शियम रिच होती है, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली निकल के कहां से आता है? ये मरीन ऑर्गेनिज्म के शरीर से, स्केलेटन से या फिर उनके शेल से निकल के आता है। तो क्लियर हो गई इस कोरल रीफ के बारे में। तो कोरल रीफ आर बिल्ट बाय द मेड बाय एंड मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एनिमल्स, कोरल पॉलिप एंड दैट आर रिलेटेड टू एनिमनस एंड जेलीफिश। तो इस तरीके से यहां पर चीजें होती हैं। पॉलिप्स जो होते हैं वो बेसिकली शैलो वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक सॉफ्ट बॉडी, मतलब सॉफ्ट बॉडी के बने होते हैं, जो बेसिकली कैल्शियम रिच होती है, कैल्शियम कह लीजिए कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं, उनकी जो स्केलेटन होती है वो कैल्शियम रिच होती है। द पॉलिप्स एक्सट्रैक्ट कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम द फ्रेश वाटर टू फॉर्म दीज हार्ड स्केलेटन। तो इस तरीके से वो कैल्शियम को ओशियन से निकालते हैं और अल्टीमेटली इस तरीके से रहते हैं, ये अपनी कॉलोनी बना करके रहते हैं, मतलब ज्यादा तादाद में रहते हैं ओशन के पास, और अल्टीमेटली इसे हम कोरल बोलना शुरू कर देते हैं। द ट्यूबुलर स्केलेटन ग्रो अपवर्ड एंड आउटवर्ड एज अ सीमेंटेड कैलकेरियस रॉकी मास कलेक्टिवली कॉल्ड कोरल्स। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग कोरल सिस्टम बोल देते हैं। व्हेन द कोरल पॉलिप डाई दे शेड देयर स्केलेटन ऑन द ऑन विच न्यू पॉलिप्स ग्रो। तो इस तरीके से ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ये जमा होना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली कोरल रीफ का एक बड़ा रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ टाइप का, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, उस तरीके से देखने को मिलता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है, बेसिकली वो कोई एक सिंगल रीफ नहीं है, बड़ी सी रीफ नहीं है, वो कलेक्शन ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल कोरल रीफ्स हैं, जो अल्टीमेटली एक्यूमुलेट होकर के इस तरीके का एक बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ बना रही है। क्लियर। द साइकिल इज रिपीटेड फॉर ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर्स, लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ लेयर्स ऑफ कोरल, and these are deposited basically near to the shallow rock. समझ में आया? These layers are different layer, different stages give rise to various marine landform. For such important landform is called as coral reef. Coral reef जो होती है वो कई तरीके से होती है, जैसे हमारा जो लक्षद्वीप island है वो भी जो है coral का ही बना हुआ है।
द कोरल्स अगर इन डिफरेंट फॉर्म कलर इस तरीके से ही लोग डीप सी डाइविंग करके चले आते हैं देखने की भैया किस कलर का है क्या है देखते हैं जरा। और ये बेसिकली जो होती है एल्गी डिपोजिशन होती है यहाँ पर, मतलब एल्गी जो होती है रेड ब्लू ग्रीन अलग अलग तरीके की एल्गी होती है वो यहाँ पर जमा हो जाती है और ये बेसिकली म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है अभी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि ये कोरल के टाइप क्या होते हैं और उस कोरल के टाइप से पहले जरा एक काम करते हैं, कोरल रीफ के फॉर्मेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या कह लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये कंडीशन देखिए यहां पर लिखी नहीं हुई है, आप लोग अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। कंडीशन के बारे में बात करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो होती है सी सरफेस टेम्परेचर। सी सरफेस टेम्परेचर, ये सी सरफेस टेम्परेचर न ज्यादा हाई होना चाहिए और न ही लो होना चाहिए, यानी इसका जो सी सरफेस टेम्परेचर है 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड बना होना चाहिए, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं ट्रॉपिकल एरिया की ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये बेसिकली ट्रॉपिकल एरिया में, इसीलिए जितने भी कोरल रीफ्स हैं ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। दूसरा, शैलो वाटर में पाए जाते हैं। शैलो वाटर का मतलब क्या हो गया? शैलो वाटर का मतलब यह हो गया एक तरीके से कि जहां पर पानी इस तरीके से होता है, जहां पर जैसे मान लीजिए ये हाइट है और ये आगे जा करके कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनाया हुआ है, तो ये बेसिकली शैलो पार्ट होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये हमारी कह लीजिए रॉक स्ट्रैटा है या फिर कह लीजिए कॉन्टिनेंट का पार्ट है और यहीं पर खत्म हो गया है, तो यहां पर शैलो नहीं, ये डीप डेप्थ पाएगा और यहां पर हमें कोरल्स देखने को नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं जैसे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट पे जो हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो रिलेटिवली हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है यहां पर आपको नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगी, क्योंकि अगेन यहां पर हाइट ज्यादा है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ तुरंत इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ताकि ये बॉडी नेविगेबल बॉडी जो होती है वो यहाँ कोस्ट तक आ जाती है, इस वजह से यहां पर हमें नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलती है। जबकि वही ईस्टर्न घाट में जब आप देखेंगे तो ईस्टर्न घाट में आपको ज्यादा कोरल्स देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न घाट में रिलेटिवली लो कम कोरल्स होंगे। क्लियर हो गया क्यों ऐसा रीजन है? तो ये शैलो वाटर हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गई, और इलाके में अगर ऊपर आएंगे तो वेस्ट बंगाल हो गया, तो इन इलाके में बेसिकली बहुत ज्यादा कोरल पॉलिप्स पाए जाते हैं। लेकिन वही अगर बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में या गोवा के बारे में या कर्नाटक के बारे में या केरल के बारे में, यहां पर जो है लोअर कम संख्या में कोरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट में अगेन यहां पर शैलो वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है कि सैलिनिटी जो होनी चाहिए वो बहुत ही कम होनी चाहिए, यानी कि इसकी सैलिनिटी 35 ppm के नियर अबाउट में होनी चाहिए या फिर कह लीजिए 35 से कम होनी चाहिए, यानी कि जो कोरल्स होते हैं बेसिकली ये एक तरीके से ये फ्रेश वाटर, या तो फ्रेश वाटर होते हैं या फिर स्लाइट सैलिनिटी वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर इन केस इंडस्ट्रियल वेस्ट ज्यादा आ जाते हैं या फिर कह लीजिए कि अगर केमिकल पॉल्यूटेंट ज्यादा हो जाते हैं या जिसके कारण से जो हमारी रिवर है, जो हमारी कह लीजिए कि ओशियन है, अगर वो पॉल्यूशन काफी अगर हाई हो जाएगा तो 100% श्योर है कि यहां पर जो भी कोरल अवेलेबल है वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्लियर? ओके, तो ये होती है हमारी बेसिकली तीन कंडीशंस जिसके बेसिस पे कोरल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर डिस्ट्रॉय होगी, अगर कोई भी एक कंडीशन खत्म होगी, तो कोरल का खत्म होना, कोरल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो कंडीशन के बारे में हम लोगों ने बात कर दिया, अब हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि कोरल्स क्या होते हैं। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोरल्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो कोरल बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ, जिसका नाम भी ऊपर लिखा हुआ है, फ्रिंजिंग रीफ होती है। दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बैरियर रीफ, और तीसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉल। हालांकि एक और बॉडी होती है जिसको हम लोग लगून बोलते हैं, लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा कुछ खास नहीं है। अच्छा, यहां पर केवल और केवल नाम याद रखिएगा, किन लोगों का? दो लोगों का नाम याद रखिए, एक डेली का नाम याद रखिए और दूसरा डार्विन का नाम याद रखिए। ये बेसिकली दोनों लोग जो है वो ज्योग्राफर है, दोनों लोग जो है कोरल के फॉर्मेशन को बताए थे। तो केवल और केवल नाम याद रखिएगा, इन केस अगर यूपीएससी का मूड घूम गया, दिमाग घूम गया, तो अगर पूछ लिए वो तो आपको जानकारी रहे कि डेली एंड डार्विन, तो डेली डार्विन इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इन लोगों ने कोरल रीफ के फॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, नाउ अब हम लोग जरा डिस्कस करते हैं इनके टाइप के बारे में, और फटाफट मैं इसको इरेज कर रहा हूं और हम लोग देखेंगे अब रीफ के बारे में कि कोरल रीफ के आखिर टाइप्स क्या क्या है।
तो कोरल रीफ के अगर टाइप के बारे में बात करते हैं तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को नाम बता दिया तीनों, एक आपका फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा बैरियर रीफ एंड देन अटॉल। अब हम लोग जरा देखते हैं इसके फॉर्मेशन के बारे में कि आखिर में ये फॉर्मेशन होती कैसे है। देखिए मान लेते हैं कि हमारा ये ओशियन सरफेस है, ओशियन सरफेस पे ही ये मान लेते हैं ओशियन सरफेस है और यहाँ पर हमारा सीधी सी बात है इकट्ठा तो हर जगह ही होगा इस तरीके से स्केलेटन, ऐसा तो है नहीं कि हमारा कहीं कहीं एक स्पेसिफिक जगह होगी जहां पर इकट्ठा होना शुरू होगा, कहीं पर भी इकट्ठा हो सकता है। मान लेते हैं कि हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इस तरीके से यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और यहाँ पर जो होता है कोरल्स इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं, दीज आर द कोरल्स मान लेते हैं, ठीक है। अब ये धीरे 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 इकट्ठा होना शुरू होंगे, इकट्ठा होने के बाद मान लेते हैं कि सरफेस कुछ इस तरीके से बना, यहाँ पर ये इस तरीके से निकल के आ गया और ये इस तरीके से यहाँ पर बन गया, क्लियर हो गया। जब इसका टॉप व्यू जब आप देखेंगे तो बेसिकली आपको बीच में एक आइलैंड टाइप का देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद से चारों ओर आपको ओशियन सरफेस देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको टॉप व्यू जब देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो माउंट के फॉर्मेट में या कह लीजिए कि ये आइलैंड के फॉर्मेट में देखेगा, बाकी चारों ओर इधर भी ओशियन पड़ा हुआ है, इधर भी ओशियन पड़ा हुआ है और हमें इस तरीके से सामने देखने को मिलेगा। इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक फ्रिंजिंग रीफ है, क्लियर हो गया। फ्रिंजिंग रीफ का मतलब क्या है, विद द टाइम क्या होगा, विद द टाइम ये होगा कि यहां पर जो ये दोनों के दोनों सरफेस ये भी उठ रहे हैं, ये और उठना शुरू हो जाएंगे और उठने के बाद अल्टीमेटली क्या होगा, ये दोनों उठ जाएंगे, लेकिन बीच वाला क्या है, लगातार ये ओशियन वेव्स के संपर्क में आने के कारण से टूट जाएगा। तो टूटने के बाद अंत में क्या होगा, कुछ इस तरीके का सरफेस, यहां मान लेते हैं कि कॉन्टिनेंट का पार्ट है, यहां पर आपको कुछ इस तरीके का ये मान लेते हैं ओशन का पार्ट है, तो आपको इस तरीके का सरफेस दिखेगा, ये यहां पर ऐसा गया, ये टूट करके नीचे पहुंच गया और इस तरीके से ये सिस्टम हो जाएगा। तो यहां पर एक आईलैंड आपको देखने को मिलेगा, यहां पर एक आईलैंड देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में वॉटर बॉडी देखने को मिलेगी, बिकॉज ये क्या है, ये तो ओशन है पूरा। तो यहां पर आपको अगर बात करें किस तरीके का सरफेस देखने को मिलेगा, तो यहां पर आपको एक आईलैंड देखने को मिलेगा, इट कैन बी सर्कुलर, स्क्वायर और एनी शेप, किसी भी शेप का हो सकता है, इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, यहां पर भी आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा और फिर इसके चारों ओर बेसिकली ये क्या है, ये हम ऐसे जो हम लोगों ने बना दिया एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में गोल घेरे के रूप में है, ये चारों ओर गोल घेरा है, समझ में आया, ये गोल घेरा है इस तरीके से देखने को। अरे आप ये बताइए ओशन में ऐसा तो है नहीं एक जगह पे इकट्ठा होगा लीनियर फॉर्मेट में, हम लोग तो 2D फिगर बना रहे हैं, 3D फिगर जब आप बनाएंगे तो क्या होगा, 3D पूरे के पूरे सरफेस पे होगा और जब सरफेस पे होगा तो क्या होगा, सर्कुलर पैटर्न में आ जाएगा और बीच में वाटर जो है वो ट्रैप्ड होगी। इस तरीके की जो वाटर ट्रैप्ड होती है इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरीके के सरफेस जो यहां पर सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, इस तरीके के सरफेस को अंदर जो बॉडी ट्रैप्ड है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये लगून है, लगून है, क्लियर हो गया। और वही अगर हम लोग बात करें बीच में और ये जो चारों ओर इस तरह से स्ट्रक्चर बना है कि यहां पर पानी, फिर आपका ओशियन यहां पर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में बीच में ओशियन देखने को मिलेगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कि ये अटॉल है। और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये बैरियर रीफ है, यानी बैरियर रीफ किस तरीके से दिखेगा, बैरियर रीफ होगा जहां पर बेसिकली तीन बॉडीज देखने को मिलेगी, एक जो चारों ओर डेवलप हुई है, जो चारों ओर इस तरीके से डेवलप हुई है, यही वाला जो डेवलपमेंट हुआ है, अब बीच में भी अभी आपका सरफेस ये वाला आइलैंड जो होता है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, बीच में भी आइलैंड इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, कोरल का रूप देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हमें ये तीसरा, मतलब कह लीजिए कि बीच में एक इस तरीके से क्रोनोलॉजी में डेवलपमेंट में चलते हुए एक हमें सरफेस मिलेगा जो आगे जा करके जो बीच वाला है ये विलुप्त हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग बैरियर रीफ कहते हैं। तो आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कोरल रीफ के टाइप में फ्रिंजिंग रीफ क्या चीज होती है, कैसे डेवलप हुई है, फिर उसके बाद से बैरियर रीफ कैसे बनी और बैरियर रीफ के बाद फिर आपका लगून या फिर किस तरीके से आपकी एटॉल बन रही है। इस सारे स्ट्रक्चर को आप लोग अपने दिमाग में छाप लीजिए क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है। अब हम लोग जरा एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं अपनी जो थ्योरीज के बारे में। तो फटाफट देखिए सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ के बारे में, फ्रिंजिंग रीफ आप फोटो बना लीजिए कि बीच में एक आइलैंड निकला होगा, बैरियर रीफ में दो बेसिकली एक आइलैंड होगा उसके चारों ओर में एक कोरल का एक तरीके से सर्कुलर पैटर्न होगा, चारों ओर से घेरेबंदी होगी और तीसरे में बीच वाला पार्ट गायब हो जाएगा और केवल घेरेबंदी हो जाएगी जिसको हम लोग लगून बोल सकते हैं। फ्रिंजिंग रीफ के बारे में बात करें अगर तो फ्रिंजिंग रीफ आर रीफ्स दैट ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम अ शोर, शोर से ही डेवलप करेगा क्योंकि यहीं पर कैल्शियम जो होती है वो डिपॉजिट होना शुरू हो गए, दे आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द लैंड, सीधी सी बात है क्लोज टू द लैंड रहेगी ही रहेगी क्योंकि यहीं पर तो डेवलपमेंट हो रही है।
They often form a shallow lagoon between the beach and the main body of the reef. अब देखिए, मान लेते हैं कि ये ocean था और यहाँ पर हमें reef develop हुई है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? ये water body trapped है, तो water body जो trapped रहेगी, जब 3D figure आप देखेंगे, तो आपको इस तरीके से contrant देखने को मिलेगा। ये basically जो contrant है 3D figure में surface पे, आपको इस तरीके से contrant देखने को मिलेगा, और यहीं पर इस तरीके से यहाँ पर हमें एक reef देखने को मिलेगी, और ये जो reef है बेसिकली जो उठी हुई है, इसको हम लोग बोल रहे थे वही जो फ्रिंजिंग रीफ है, जो हम टॉप से देखे थे इस तरीके से, वही हमें फ्रिंजिंग रीफ मिलेगी। और यहाँ पर क्या है, पानी ट्रैप्ड हो गया है, और ये जो पानी ट्रैप हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये लगून है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो अब इनफैक्ट आपको समझ में और अच्छे से आ रहा होगा, थ्योरी के साथ में और अच्छे समझ में आ रही होगी। द फ्रिंजिंग रीफ रन्स अ नैरो बेल्ट 1 to 2 किलोमीटर वाइड। देखिए छोटा ही होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि भी इसके चारों ओर में भी तो डेवलपमेंट चल रही है। तो दिस टाइप ऑफ रीफ ग्रोज फ्रॉम द डीप सी बॉटम विद द सीवर्ड साइड स्लोपिंग स्टीपली टू द डीप सी। कोरल पॉलिप डू नॉट एक्सटेंड आउटवर्ड बिकॉज सडन एंड लार्ज डेप्थ इन द लार्ज इंक्रीज इन द डेप्थ ओशन में देखने को मिल जाती है। तो इस कारण से फ्रिंजिंग रीफ काफी ज्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं और ब्रॉड भी नहीं हो सकते हैं। फ्रिंजिंग रीफ इज बाई फॉर द मोस्ट कॉमन ऑफ द थ्री कोरल रीफ, जो तीनों कोरल रीफ है, फ्रिंजिंग रीफ, बेरियर रीफ एंड एटॉल में फ्रिंजिंग रीफ सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होती है, क्योंकि ये पहली स्टेज है डेवलपमेंट की। इसके आगे जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी वो सीधी सी बात है बेरियर रीफ या फिर अल्टीमेटली एटॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि दिस विल बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोरल डेवलपमेंट। फ्रिंजिंग रीफ कैन बी सीन एट द न्यू हैब्रिज सोसाइटी आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ और फ्लोरिडा के पास में भी देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग बैरियर रीफ के बारे में बात करें हम, तो बैरियर रीफ में क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि ये हमारी मान लेते हैं कि कॉन्ट्रेंट हुआ करती थी, इस कॉन्ट्रेंट के चारों ओर में मान लेते हैं यहां से ओशन स्टार्ट हो गई, यहां पर हमारी कभी फ्रिंजिंग रीफ हुआ करती थी, लेकिन अब ये चारों ओर में खत्म हो जाएगी और इस तरीके से यहां पर इसको घेरेबंदी करते हुए यहां पर बैरियर रीफ डेवलप हो जाएगा। तो ये बैरियर रीफ कुछ इस तरीके से यहां पर उठ गया होगा, साथ ही साथ में बीच में फ्रिंजिंग रीफ भी उठी हुई होगी। तो इस तरीके से हमें बैरियर रीफ देखने को मिलेगी। इसके बारे में अगर बात करें तो बैरियर रीफ क्या होगी, दे आर एक्सटेंसिव लीनियर रीफ कॉम्प्लेक्स दैट पैरेलल अशोर एंड आर सेपरेटेड इट बाय अ लगून। तो अगेन ये होती है, इस तरीके से डेवलपमेंट हो जाती है। दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री रीफ। सीधी सी बात है, एरिया काफी बड़ा है, क्योंकि चारों ओर से ये डेवलप हो रहा है। रन्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर एंड इज सेवरल किलोमीटर वाइड। इट एक्सटेंड एज अ ब्रोकन इररेगुलर रिंग। जो देख सकते हैं कि ये इररेगुलर रिंग टाइप की आपको देखने को मिलेगी। रिंग भी आपको यही होती है, इस तरीके से रिंग होती है ना, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अराउंड द कोस्ट और एन आईलैंड रनिंग ऑलमोस्ट पैरेलल टू इट। बैरियर रीफ आर फार लेस कॉमन देन फ्रिंजिंग रीफ और एटॉल, बिकॉज ये जो होती है बीच की डेवलपमेंट होती है, ये जनरली मिलती नहीं है, क्योंकि इधर इट विल गो एंड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द एटॉल और इट विल ट्राई टू डेवलप फ्रॉम द फ्रिंजिंग रीफ, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट वेरी कॉमन। 1200 माइल लॉन्ग ग्रेट बैरियर रीफ जो होती है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, इस टाइप का ही रीफ है जहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ मल्टीपल रीफ्स आ जाती है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज नॉट एक्चुअली अ सिंगल रीफ, ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। एटॉल के बारे में बात करें तो एटॉल इज बेसिकली अ रफली सर्क्यूलर ओशियनिक रीफ, जहां पर बीच में जो आईलैंड हुआ करता था, जो कोरल रीफ हुआ करती थी, वो अब सबमर्ज हो गई और चारों ओर में केवल वाटर बन गया और इस तरीके से लगून डेवलपमेंट हो गई है। इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं कि सेंट्रल लगून यहां पर डेवलपमेंट हो गई है। द लगून हैज अ डेप्थ 80 टू 150 मीटर एंड मे बी ज्वाइंड विद सी वाटर थ्रू अ नंबर ऑफ चैनल्स अक्रॉस द रीफ। एटॉल आर लोकेटेड एट ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम डीप सी प्लेटफॉर्म वेयर द सबमरीन फीचर मे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एटॉल सच एज द सबमर्ज्ड आइलैंड और एन वोल्केनिक कोन विच मे रीच अ लेवल सुटेबल फॉर द कोरल ग्रोथ। तो इस तरीके से यहां पर देखिए सिस्टम लिखे गए हैं, ज्यादा कुछ खास है नहीं। एटॉल के तीन फॉर्म हो जाते हैं, अगेन ये काफी ज्यादा डीप जा रहा है, केवल और केवल एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, इतना कुछ खास है नहीं। यहाँ पर एक ट्रू रीफ होती है जहां पर बीच में लगून होती है और चारों ओर में सर्क्यूलर रीफ होती है और कोई भी आइलैंड डेवलपमेंट नहीं होता, उसको हम लोग ट्रू एटॉल बोलते हैं। एक दूसरा एटॉल होता है जहां पर एक बीच में आइलैंड भी छोटा सा होता है और लगून भी होती है, और इस तरीके से यहां पर एटॉल डेवलपमेंट होती है। और तीसरी होती है जहां पर कोरल आइलैंड या फिर एटॉल आइलैंड होता है जो बेसिकली डेवलप हो रहा होता है, एंड दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द इरोजन प्रोसेस एंड डिपोजिशन ऑफ द वेव। तो जो वेव तोड़ रही है वो बेसिकली अभी चल ही रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। एटॉल जो होते हैं दे आर वेरी कॉमन इन द पैसिफिक, क्योंकि ये ओल्ड एज में आ चुकी होती हैं और इस तरीके से लास्ट फेज में ये बन रही होती है, जैसे फिजी एटॉल,
फुनाफ्ती एटॉल, तो इस तरीके से बहुत सारे एटॉल्स होते हैं। नाम याद रखना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दीजिएगा, केवल और केवल इसके बारे में समझिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बाईस को बहुत सारे और भी एटॉल्स का नाम लिखा गया है, जैसे माइक्रोनेशिया, इसके अलावा मिनी नेशिया, तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड होते हैं जहां पर हमें कोरल्स मतलब एटॉल की फॉर्मेशन, एटॉल की चीजें देखने को मिलती हैं। अब हम लोग जरा बात करते हैं व्हाट आर द फॉर्मेशन की कंडीशन कोरल की, तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, शैलो वाटर, सेलाइन, हल्का सा सैलिनिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ जो होता है सी सरफेस टेम्परेचर होनी चाहिए। कुछ और भी कंडीशन यहाँ पर माइनर कंडीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे एक होता है जो स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, जो क्लाइमेट कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो चेंज हो रही हो, चेंज होगी ग्लोबल वार्मिंग होगा, कोरल की जो फॉर्मेशन है, कोरल की जो कंडीशन है वो खराब हो जाएगी। हल्का सा वार्म वाटर चाहिए होता है, ज्यादा कोल्ड वाटर भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन वही सी सरफेस टेम्परेचर के बारे में जो हम लोगों ने बात किया था कि 26 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। शैलो वाटर चाहिए, क्लियर सॉल्ट वाटर चाहिए होता है, अबंडेंट प्लैंकटन चाहिए होते हैं, लिटिल और नो पॉल्यूशन, सैलिनिटी के बारे में वही बात की जा रही है। अब हम लोग जरा बात करते हैं कि कोरल्स और जूजैंथले क्या चीज होती है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको ज्योग्राफी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग अपने इन्वायरमेंट के डिस्कशन में, तो फटाफट देख लेते हैं थोड़ी सी इन्वायरमेंट भी यहाँ पर क्या चीज है। कोरल्स अभी हम लोगों ने देखा कि ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कर रहा है एक जगह जहां पर जूजैंथले इकट्ठा होंगे। ये जूजैंथले क्या होते हैं, देखिए हमारे पास होती है प्लैंकटन। प्लैंकटन दो तरीके की होती है, एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन, जो पौधे खाते हैं या फिर कह लीजिए पौधे होते हैं बेसिकली, और दूसरे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं जू प्लैंकटन, और ये होते हैं मरीन एनिमल्स, छोटे छोटे मरीन एनिमल्स होते हैं विच आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन फाइटोप्लैंकटन। यानी यहां पर हम लोग एक फूड स्टेज या फूड चेन बोल सकते हैं कि जो फाइटोप्लैंकटन होते हैं, इन फाइटोप्लैंकटन को बेसिकली जू प्लैंकटन खाता है, और जू प्लैंकटन को फिर स्मॉल मरीन एनिमल खाता है, स्मॉल मरीन एनिमल को फिर फिश खाती है, फिश को बड़ी फिश खाती है, बड़ी फिश को फिर इस तरीके से व्हेल वगैरह खा लेती है। क्लियर हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली फूड चेन। ये हम लोग बेसिकली देखेंगे एनवायरमेंट के अपने सेक्शन में काफी डिटेल में देखेंगे क्या चीज है। फिलहाल अगर बात करें जूजैंथले, जूजैंथले एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये भी मरीन ऑर्गेनिजम्स होता है जो प्लेटफॉर्म पे रहता है। इस प्लेटफॉर्म पे रहने के कारण ये आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब म्यूचुअल रिलेशन में रहते हैं, म्यूचुअल का मतलब दोनों फायदा पहुंचा रहे होते हैं। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कह लीजिए कि जो जूजैंथले है, इसको चाहिए होता है मिनरल्स। ये मिनरल्स दिया जाता है और ये इस तरीके से मिनरल्स कोरल को दे रहे होते हैं, और कोरल के जरिए यहां पर जूजैंथले के द्वारा कोरल को कलर दिया जा रहा होता है, कलर दे रहे होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये बेसिकली कर रहे होते हैं। इसके बारे में अगर डिटेल के बारे में चर्चा किया जाए तो इसको इरेज किया करें अगर फटाफट, तो देखिए जूजैंथले और कोरल्स, मैनी इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट प्लांट, ये सब जो है कोरल के साथ मिलकर के रहते हैं, बिकॉज कोरल इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म वेयर एनी वन कैन गो, कोई भी जा सकता है, वर्टिब्रेट भी जा सकता है, इनवर्टिब्रेट भी जा सकता है और प्लांट भी जा सकता है। विद द टाइट रिसोर्स कपलिंग एंड रिसाइकलिंग अलाउ कोरल रीफ टू हैव एक्सट्रीम हाई प्रोडक्टिविटी एंड बायोडाइवर्सिटी सच दैट दे आर रेफर टू एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, कोरल्स को हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसको बोला जाता है और दूसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन किसको बोला जाता है। क्लियर, तो इसमें क्वेश्चन में आपसे कह लीजिए कि मैनग्रूव को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज कराया जा सकता है, हम भी लोग कंफ्यूज कराएंगे जब आपका टेस्ट होगा, तो वहां पर कंफ्यूज करूंगा मैं भी कि क्या है। तो इस तरीके से आप यहां पर याद रखिएगा बस कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन हम लोग कोरल्स को या फिर कह लीजिए कि इसी सिस्टम को बोलते हैं, कोरल रीफ को बोलते हैं। इसके अलावा जो होता है स्लेटियन कोरल बिल्ड स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सिक्वेस्टर्ड फ्रॉम द वाटर, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये कोरल के बारे में और भी बताया गया है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज जस्ट रिसीविंग देयर न्यूट्रिएंट एनर्जी सोर्स इन टू वेज, ये बताया जा रहा है। एक तरीका वही हो रहा है कि जहां पर आपको एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्लैंकटन जो होते हैं एक दूसरे के साथ में एनर्जी सिंक में रहते हैं, और दूसरा बताया जा रहा है वही सिम्बायोटिक रिलेशन जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था। इस सिम्बायोटिक रिलेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो जूजैंथले बेसिकली कोरल पॉलिप के साथ म्यूचुअल रिलेशन में रहते हैं, जहां पर एक बंदा दूसरे को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा होता है, दूसरा बंदा फोटोसिंथेसिस कंडीशन प्रोवाइड करता है। दीज एक्टिविटीज प्रोवाइड द कोरल विद फिक्स्ड कार्बन कंपाउंड्स फॉर एनर्जी, एनहांस कैल्सिफिकेशन एंड मीडिएट एलिमेंटल न्यूट्रिएंट फ्लक्स। द होस्ट कोरल पॉलिप इन रिटर्न प्रोवाइड इट्स जूजैंथले
with a protected environment to live within and a steady supply of carbon dioxide for its photosynthesis process. The symbiotic relationship allows the slow-growing corals to compete with the faster-growing multicellular algae, and the coral can feed by day through photosynthesis and by night through predation. तो इस तरीके से चीजें होती हैं. अगेन उतना कुछ खास है नहीं और डिटेल कुछ ज्यादा ही दी गई है. नेक्स्ट जो टॉपिक आती है उसको आती है कोरल ब्लीचिंग. ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग का मतलब होता है फेड हो जाना, कलर की फेडिंग कर देना. फेडिंग होगी कब? फेडिंग इसलिए होगी क्योंकि कोरल जो होते हैं वो डाई कर जाएंगे, कोरल जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. डिस्ट्रॉय क्यों होंगे? अगेन वही, जो भी इसकी कंडीशन बनने की थी उस कंडीशन में कुछ ना कुछ बदलाव किया गया होगा. यानी सी सरफेस टेम्परेचर 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो या तो यह टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो गया होगा या टेम्परेचर लो हो गया होगा, जिसके कारण से अगेन हमें कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलेगी. दूसरी कंडीशन हो सकती है जहां पर हम लोग बोले थे सैलिनिटी के बारे में, या तो फ्रेश वाटर होनी चाहिए या थोड़ी सैलिनिटी होनी चाहिए. तो इसकी सैलिनिटी अगर इंक्रीज करती है, अगर हाई होती है, सीधी सी बात है कोरल्स मर जाएंगे. क्यों? क्योंकि वही केमिकल पॉल्यूटेंट आ सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ सकता है, एसिडिटी बढ़ सकती है. तीसरी है शैलो वाटर. शैलो वाटर पे अगेन जो होती है नाव वगैरह, नेविगेशन, शिप्स वगैरह चलती रहती है, जिसके कारण से भी हमें कोरल ब्लीचिंग, कोरल का डिस्ट्रॉय देखने को मिलता है. तो डिस्टर्बेंस अफेक्टिंग कोरल रीफ इंक्लूडिंग एंथ्रोपोजेनिक, मतलब कि मैन मेड एंड नेचुरल इवेंट, दोनों तरीके से हमें देखने को मिल सकती हैं. रिसेंटली एक्सेलरेटेड कोरल रीफ डिक्लाइन, इनफैक्ट मैंने इस पर एक क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स में पूछा हुआ था आप लोगों से कि कोरल रीफ लगातार घटते जा रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट था वो. तो रिसेंट एक्सेलरेटेड कोरल रीफ डिक्लाइन इज रिलेटिवली रिलेटेड मोस्टली टू एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट, और एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट में वही शिप आ गई या ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ओवर फिशिंग हो गई, सेडिमेंटेशन हो गया, या न्यूट्रिएंट ओवरलोडिंग हो गई यानी पॉल्यूशन हो गया. इसके अलावा कुछ नेचुरल डिस्टर्बेंस भी जो होते हैं, जैसे डिजास्टर का आ जाना यानी सुनामी का आ जाना, या फिर साइक्लोन्स का आना, एल नीनो, लानीना, एनसो, इन सारी कंडीशन के कारण से भी कोरल पॉलिप को डैमेज होता है. तो कोरल रीफ ब्लीचिंग इज अ कॉमन स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑफ कोरल टू मेनी ऑफ द वेरियस डिस्टर्बेंस मेंशन. कोरल जो ब्लीचिंग होती है बेसिकली अगेन जो होती है दो तरीके से हो सकती है, जहां पर डेंसिटी ऑफ जूजेंथले खत्म हो जाते हैं, यानी जो कलर दे रहा है वो कलर देना बंद हो जाता है, व्हाइटिश कलर के हो जाते हैं, यहां पर चीजें जो होती है वो दिखना बंद हो जाती है. कंसेंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं विद इन द जूजेंथले वो भी खत्म हो जाते हैं. अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जूजेंथले जो कलर प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली वही डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इसी कारण से हमें कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलती है. When coral bleach, they commonly lose 60-90% of zooxanthellae, and each zooxanthellae may lose 50-80% of photosynthesis pigment. तो इस तरीके से बेसिकली पूरा का पूरा कोरल पॉलिप और उसके साथ में जो सिम्बायोटिक रिलेशन में zooxanthellae वो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एट द एंड. If the stress causing bleaching is not too severe and if it decreases in time, the affected corals usually regain their symbiotic relation with algae within several weeks or few months. तो इस तरीके से चीजें हो जाती हैं, जो कि अगेन देख सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं. यहाँ पर कुछ खास है नहीं समझाने वाला, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, स्किप करता हूँ. तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.